महीने आपके संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 15 तारीख तक आपस में अहम का टकराव ना हो तो अपने ध्यान रखना है। गणेश जी कहते हैं कि समाधानकारी एटीट्यूड रखने से फायदा होने वाला है। जीवन साथी के साथ क्लोजनेस भी बढ़ सकती है। आप किसी प्रियजन या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। प्रेमियों को अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत में थोड़ी स्पष्टता रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो महीने की शुरुआत में निर्णय लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से देखिए तो इस महीने कुछ अनयूजुअल सोर्स से आय हो सकती है। ऐसे में किसी से पैसे उधार लेने हो या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प लेनी हो तो काम हो सकता है। शुरुआत में अपने बड़ों और दोस्तों से अधिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उत्तरार्ध का समय खासकर सरकारी और कानूनी मामलों में खर्चीला साबित हो सकता है। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं या सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उसका लाभ आपको मिल सकता है। आप अपेक्षा रख सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन सरकारी नियमों के तरह आपको पूरा ध्यान देना होगा। खासकर उत्तरार्ध के कुछ सरकारी मामले आपके काम में बाधा बन सकते हैं। गणेश जी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे मेष राशि वालों जातक को उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय चर्चा या बातचीत में वाणी का बैलेंस रखना आपके लिए सही रहेगा। शुरुआती हफ्तों में क्रिएटिव वेंचर्स में अच्छी प्रगति के चांसेस हैं। आपकी शार्प बुद्धि भी आपको साथ देगी। इस महीने की शुरुआत में विद्यार्थियों को घूमने फिरने के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाने का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मौके अच्छे मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों के साथ आप मनोरंजन में व्यस्त तो रहेंगे पर पढ़ाई में भी आपका ध्यान अच्छा रहेगा। हो सकता है कि शारीरिक परेशानी के कारण आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावट आ जाए, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरतने से सारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। और हाँ, उत्तरार्ध में किसी भी विषय का अध्ययन करने में आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह की एक्साइटमेंट से आपको कहीं न कहीं बचना होगा। आप काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर अधिक मेहनत कर पाएंगे। जिन लोगों को कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, आंखों में जलन की समस्या है, उन्हें इस महीने उत्तरार्ध में विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। हाँ, महीने के अंतिम हफ्ते में दांत, नाक, कान, गले से संबंधित समस्याओं से कहीं न कहीं आपको राहत मिल सकती है। इस महीने में प्रेम संबंधों में तनाव से राहत मिलेगी। आप अपने साथी को ज्यादा समय देकर या फिर उनके साथ अच्छे कम्युनिकेशन में रहकर आपसी क्लोजनेस बनाने का प्रयास करेंगे। विवाहितों के बीच में संबंध सामान्य रहेंगे। अगर आप एक दूसरे की नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे तो संबंध ज्यादा मैच्योर होंगे। गणेश जी की सलाह है कि अपने संबंधों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखें तो प्रेम बना रहेगा। इस महीने आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो बढ़ने वाली है ऐसा दिख रहा है। खासकर आपके अभी तक के जो भी अचीवमेंट्स है इसकी वजह से कमाई की संभावना काफी बढ़ने वाली है। जॉब वाले लोगों को इंक्रीमेंट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करने में आप पीछे नहीं रहेंगे और नई इनकम के जो सोर्स है वो भी डेवलप होने वाले है, तो ये सफलता भी आपको मिल सकती है। और हाँ, अगर आप चाहे तो उधार का धन भी उम्मीद के मुताबिक आपको मिल सकता है। इस महीने में बैंकिंग, फाइनेंस कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा, इसके साथ बीमा, शेयर मार्केट, दलाली, वकालत, अकाउंटिंग और चैरिटी संस्थाओं से जुड़े कार्यों में जो घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं अच्छी प्रगति हो सकती है। शुरुआती हफ्ते में प्रिंटिंग, केमिकल्स, दवा, कंसल्टेंसी आदि क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको मुनाफा भी हो सकता है।
सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना कहीं न कहीं इंक्रीमेंट के साथ अधिक लाभ होने की संभावना भी दिख रही है, पर जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में अभी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने के शुरुआती सप्ताह के बाद पढ़ाई में आप अच्छी एकाग्रता बना सकेंगे और अपने शेड्यूल के मुताबिक अभ्यास कर सकेंगे। टेक्निकल क्षेत्र में उच्च अभ्यास से जुड़े, विदेश में अभ्यास के लिए प्रयास कर रहे जातकों की एक्टिविटी और पॉजिटिविटी रहेगी। महीने के सेकंड हाफ में रिसर्च और बड़े एजुकेशनल प्रोजेक्ट में आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, पर यहाँ गणेश जी आपको सावधान करते हैं कि मन की चंचलता पर थोड़ा अंकुश होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इस माह आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि शरीर की गर्मी या कोई भी गर्म वाली समस्या आपको परेशान कर सकती है। बदलते मौसम का असर आपके शरीर पर तेजी से दिखेगा, इसलिए अपने कामकाज और ड्राइविंग के चलते या अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो बिना सोचे समझे उतावलापन से आपको परहेज करना होगा। पैर की मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। गणेश जी कहते हैं कि यह महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है। हालांकि किसी मामूली कारण से आपको अपने जीवन साथी या प्रियजन के संबंध में कोई चिंता सता सकती है। ऐसी स्थिति में आप दोनों साथ मिलकर कहीं न कहीं इसका हल खोजेंगे और अपने साथी को पूरा सहयोग भी देंगे, तो ये अपनी समस्या से तेजी से बाहर आ सकते हैं और आपके रिश्तों में भी क्लोजनेस बढ़ेगी। सगे संबंधियों के साथ आपका लगाव बढ़ेगा। हो सकता है कि मंथ के सेकंड हाफ में कहीं न कहीं दूरस्थान या विदेश में रह रहे आपके प्रियजनों के साथ बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। देखा जाए तो आर्थिक मामले में यह महीना आपके लिए ज्यादा चिंताजनक नहीं लगता। इस समय में आपको रेगुलर इनकम में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, पर अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से धन आने के काफी उपाय लग रहे हैं। उत्तरार्ध में इनकम की तुलना में खर्च कम रहेगा, फिर भी डेली एक्सपेंस के लिए उधार लेने से बचे। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट संबंधी खर्च की संभावना दिख रही है। गणेश जी की माने तो व्यवसाय के लिए ये समय काफी प्रगति कारक बनने वाला है और फलदायी रहेगा। हालांकि कामकाज में लगातार कुछ न कुछ नया करने की आपको इच्छा रहेगी, इसके कारण आप सामान्य ट्रैक पर आगे बढ़ने की बजाय अपना नया रास्ता खोजने की कोशिश करने वाले हैं। टेक्सटाइल, मशीनरी, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक, कलर, केमिकल्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनके लिए, साथ साथ ये होटल बिजनेस वाले जो लोग हैं इनके लिए ये समय कामकाज में थोड़ी भागदौड़ और संघर्ष वाला रह सकता है। गणेश जी का आशीर्वाद इस महीने पढ़ाई करने वालों के साथ पूरी तरह से रहेगा और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पढ़ाई का तरीका और अभ्यास की अवधि बढ़ाकर आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाएंगे। हालांकि अभी आप में कंसंट्रेशन या मेमोरी को लेके कुछ शिकायत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर पहले वीक में काफी मेहनत करनी होगी। अभी केवल परीक्षा को ध्यान में रख के आगे बढ़ने में ही फायदा है। महीने के अंत में हायर स्टडीज और जॉब के हिसाब से अभ्यास में स्थिति सुधरती दिखेगी। इस महीने आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में आपको ग्रहों का पूरा साथ नहीं मिल रहा। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है या जिन्हें पेट में दर्द या पित्त की समस्या है, इसके अलावा जिनको डायबिटीज है या उनकी तकलीफ है, उनको ध्यान रखना होगा, वो बढ़ सकता है। इस समय में पुरानी बीमारियों के कारण थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। त्वचा संबंधी समस्या, एलर्जी, कहीं ना कहीं आपको ये समस्या और सतह पे आ सकती है। कब्ज, कमर दर्द, दिल की धड़कन की समस्या में आपको उत्तरार्ध में राहत मिल सकती है।
गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वाले प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आपके बीच आकर्षण बना रहेगा और संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी दिखने को मिलेगा। जीवन साथी को पसंद करने में ओवर एक्साइटेड होकर कोई कदम उठाना हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे तो मैरिड लाइफ लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में सामान्य जो है बना रहेगा, लेकिन आपके साथी को अगर ज्यादा गुस्सा आता है तो सॉफ्ट एटीट्यूड रखना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक मामले में ये समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आप शॉर्टकट की बजाय धन कमाने के जो सही रास्ते हैं उसको अपनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कामकाज में आपने थोड़ा ध्यान देने होगा। 15 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर बनाने हैं तो ये समय में थोड़ी सावधानी बरते, हो सकता है कि इस पर कोई खर्च भी हो। शुरू के कुछ कानूनी टैक्स या इन्वेस्टमेंट संबंधी खर्च हो सकता है, पर उत्तरार्ध में आपकी जो स्थिति है वो उसमें अच्छा सुधार आने वाला है। इस महीने आप कॉस्मेटिक्स, होटल, मनोरंजन, मीडिया, लेखन, फाइनेंस, कृषि उपकरण, वाहन मशीनरी या वाहन से संबंधित आदि कार्य के लिए टीम वर्क में या पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए पहले फोर्टनाइट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या करार होने की संभावना दिखती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में सेकंड हाफ में ज्यादा लाभ हो सकता है। इस समय आपको किसी प्रोफेशनल मैटर में कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावना है, आपको तैयारी रखनी होगी। विद्यार्थियों को अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे, लेकिन गणेश जी आपको पूरे प्लानिंग के साथ मेहनत करने की सलाह देते हैं। दूसरे फोर्टनाइट में आपको मेमोरी और कंसल्टेशन संबंधी शिकायत हो सकती है, ऐसे में नियमित मेडिटेशन करना आपके लिए उचित रहेगा। हायर स्टडीज, रिसर्च आदि में शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें होगी, पर बाद में बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपने अभ्यास में किसी विद्वान व्यक्ति के गाइडेंस की भी जरूरत हो सकती है। इस महीने आपकी हेल्थ है थोड़ी नरम गरम रहने वाली है। शुरुआती वक्त में थोड़ी अच्छी और दूसरा जो अपना 15 दिनों बाद का जो फेस है उसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप मानसिक तनाव से भी गुजर सकते हैं। अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट को आप दूर करेंगे और फर्स्ट हाफ में जो आपको टेंशन रहा था वो सेकेंड हाफ में आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। कमर में दर्द, पसलियों में दर्द या मांसपेशियों में सूजन की समस्या आपको पीड़ित कर सकती है, इस बात का जरूर ख्याल रखें। मैरिड लोगों को अपने संतान संबंधी चिंता के कारण बेचैनी आ सकती है। वैसे तो सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध इस महीने सामान्य हो रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि पहले दो हफ्तों में आपके जीवन साथी के व्यवहार में अहम और वर्चस्व की भावना कुछ ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में यदि आप काम और बैलेंस रहेंगे तो काफी समस्याएं आने की पहले ही हल हो सकती है। बाद में आपको बीच अट्रैक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है, तो इस वजह से प्रेम संबंधों का सुख भी आप प्राप्त कर सकेंगे। गणेश जी कहते हैं कि बातचीत में मिठास और व्यवहार में विनम्रता से आपके बीच आत्मीयता बनी रहेगी। फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी व्यावसायिक प्रगति के योग होने से इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेंगे। यानी आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं संतुलित करने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। आपके पूर्वजों की संपत्ति के कुछ पुराने मामलों में हल हो सकता है। आपके वेल्थ में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी या माइनिंग इंडस्ट्रीज में पैसा फंस सकता है, तो सावधान रहे। रिकवरी पर आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आखिरी हफ्तों में सरकारी काम, टैक्स इन्वेस्टमेंट संबंध में खर्च बढ़ सकता है। बिजनेस ग्रोथ के लिए ये महीने आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी हो सकती है।
खैर बिजनेस हो या जॉब, गणेश जी की प्रेरणा से अगर आप पूरे डेडिकेशन और विल पावर के साथ डटे रहेंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर होगी और ये चांस मुझे अच्छे दिख रहे हैं। इस बार आप अपने बिजनेस पार्टनर से भी कुछ बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रहे कि इस महीने आपको सपोर्ट करने वाले कम और अपोज करने वाले ज्यादा हो सकते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से यह महीना विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट तो रहेगा, लेकिन आगे करियर में क्या करना है यह ध्यान में रखकर ही आप आगे की तैयारियां करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये समय अच्छा तो है, पर ध्यान रखें कि आने वाली परीक्षा में किसी तरह की जल्दबाजी ना हो, अन्यथा कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। महीने के अंत में किसी विषय में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने सीनियर से गाइडेंस भी लेना पड़ सकता है। इस महीने आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके रोग स्थान में ही शुक्र, मंगल, शनि और बुध की युति है, जबकि उत्तरार्ध में सूर्य अष्टम स्थान में होगा और यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। त्वचा में गर्मी के कारण होने वाली समस्या परेशान कर सकती है। कोई हार्ट संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या हो सकती है और अगर आपको पैरों के जोड़ों की बीमारी हो तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा। गणेश जी कहते हैं कि आप स्वास्थ्य के मामलों में जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना ही फायदा होगा। गणेश जी के आशीर्वाद से इस महीने कन्या राशि वालों के प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों में एकाद मीठा झगड़ा भी होगा, लेकिन इससे आपके संबंधों में जो निकटता है वो और बढ़ने वाली है। आखिरी सप्ताह में पारिवारिक विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा बैलेंस बना के रख पाओगे। अगर आपका जीवन साथी अपना वर्चस्व जताना चाहेंगे तो आपने अपना जो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है उसको बना के रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्क प्लेस के ऊपर किसी के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में इस महीने इनकम और एक्सपेंस का पल्ला बैलेंस में रहेगा। आपको अपने इनकम सोर्सेस बनाने में सफलता मिल सकेगी। जॉब करने वाले की शुरुआत में सीनियर्स की कृपा से आर्थिक लाभ हो सकता है। फिर भी कोई न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की शुरुआत बिना सोचे समझे ना करें। बस इतना ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट के मामलों में दूसरों के भरोसे पे कोई डिसीजन ना ले। बिजनेस में स्लो एंड स्टडी अप्रोच से आगे बढ़े। कोई सरकारी लाभ जैसे कोई सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट मिलने की संभावना भी है। जॉब करने वालों को अपने काम में एक्सीलेंस लाने पर ध्यान रखना होगा, ये सलाह है गणेश जी की, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपकी फ्यूचर ग्रोथ का मार्ग तैयार होगा। इस महीने आपको थोड़ी भागदौड़ की तैयारी भी रखनी होगी। आउटस्टेशन का कोई काम हो सकता है या कामकाज के संबंध में विदेश की लंबी यात्रा का आयोजन भी हो सकता है। इस महीने विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी प्रवृत्ति पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ने वाली बनेगी, जिससे मन की चंचलता भी बढ़ सकती है, जिससे आपको ज्यादा एक्टिविटीज में और आपका मन लगेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। हायर एजुकेशन या मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अपने नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। किसी भी विषय में सफलता प्राप्त आपको करने के लिए और कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खासकर प्रारंभ में आपको आंखों की तकलीफ, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज संबंधी शिकायतें बढ़ सकती है, जो उत्तरार्ध में जाकर थोड़ी होने की उम्मीद है। पित्त की समस्या हो तो अपने भोजन पर ध्यान दें। दूसरे सप्ताह के बाद नाक, कान और गले की शिकायत हो तो तुरंत उपचार लेना ना भूलें। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह कोई खास चिंताजनक स्थिति आने की
पॉसिबिलिटी नहीं है। शुरुआत में आपके बीच संबंधों में मिठास रहेगी, लेकिन अपने प्रियजन या जीवन साथी के समक्ष अपने मन की बात कहने में ज्यादा विलंब न करें, अन्यथा आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ी दूरी भी बढ़ सकती है। गणेश जी के आशीर्वाद से प्रेमियों में मुलाकात और अपनेपन के उत्तम योग बनेंगे। सगे संबंधों के साथ पहले की तुलना में रिश्तों में सुधार आएगा। जीवन साथी और दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस महीने फाइनेंस के मामलों में आपकी स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी। वैसे तो आपको अपने भाग्य का साथ मिल रहा है और इसी वजह से आपको अपनी मेहनत की तुलना में अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, पर आने वाले पैसों में ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी और इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लोन और फाइनेंस के साथ साथ उधार वाले मामलों में भी कुछ देर बाद ही सोल्व होंगे। गणेश जी कहते हैं कि पैसे की खींचतान होने की संभावना है, पर शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी महीने आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस महीने बिजनेस एक्सपेंसिव की योजनाओं को आप समझदारी पूर्वक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नौकरी पैसा लोगों को काम का थोड़ा प्रेशर रहेगा या फिर अपना प्रोफेशंस में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी की गई मेहनत आपको भविष्य में उत्तम आर्थिक लाभ देने वाली होगी। मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन जैसे कार्यों में जुड़े जातकों को थोड़ी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। गणेश जी आपको सतर्क कर रहे हैं कि ऑफिशियल मीटिंग के दौरान आपको अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। शिक्षा और ज्ञान, विद्यार्थियों को इस महीने पढ़ाई में रुचि रहेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर आपको रिविजन पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दूसरे सप्ताह के बाद आपका ज्यादा बढ़िया साथ देगी। हो सकता है कि परिवार के कुछ मामलों के कारण स्टडीज का माहौल पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं होगा। विद्यार्थियों को अभ्यास के सिलसिले में कोई टूर भी हो सकती है। फ्यूचर स्टडीज संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए अभी का समय आपके फेवर में ना होने के कारण दूसरे की सलाह लेकर ही आगे बढ़े। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा और अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप पर खास ध्यान देना होगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ मानसिक शांति के लिए आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा ध्यान देंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। आपको एक्सरसाइज के जरिए अपनी फिटनेस बढ़ाने का काम भी करना होगा, प्रयास भी करना होगा। आखिरी हफ्तों में आपको खासकर पेट, कमर, हड्डी, बीपी, दिल की धड़कन संबंधी शिकायत हो सकती है। और एक जरूरी बात, इस समय में ज्यादा भोजन लेने से परहेज करें। लव लाइफ में संबंध अच्छे रहेंगे, आप लगातार रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि आप एक दूसरे से लगातार मिलते रहेंगे। यानी ऐसे समय में आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यमों से एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे। विवाहित जातक अपने जीवन साथी को जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ही घनिष्ठता बढ़ेगी। आपके बीच में अगर आपसी विश्वास का प्रॉब्लम हो तो आखिरी सप्ताहों में वह भी आसानी से हल हो सकता है। इस महीने की शुरुआती समय में परिवार के ऊपर आपके थोड़े खर्च बढ़ेंगे। जो लोग अपने पारिवारिक धंधे में जुड़े हैं, उन्हें शायद अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ सकता है। उत्तरार्ध में संतान संबंधित खर्चा बढ़ सकता है। वसीयत या विरासत के प्रॉब्लम्स हल होने से आपके हाथ में कुछ धन भी आ सकता है। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने आपको खर्च पर अंकुश रखना जरूरी है। पार्टनरशिप से जुड़े लोग अपने पार्टनर के साथ किसी भी लेन देन का लिखित पर्चा जरूर रखें। नौकरी या व्यवसाय में नई शुरुआत करने में आप शायद ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं।
नौकरी पेशा लोगों को अपने वर्कप्लेस पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दृष्टिकोण रखना होगा। सभी लोगों के साथ आपको अच्छे संबंध रखने होंगे। कमीशन, दलाली, शेयर बाजार, ब्याज या सट्टे में आपको लाभ हो सकता है और ऐसे कार्यों के लिए आप कोई छोटा टूर भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में दूसरे के भरोसे पर ना ही रहे, ये बेहतर रहेगा। इस महीने आपके अभ्यास में अक्सर बाधा आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आखिरी सप्ताहों में आप अपने अभ्यास में एकाग्रता बनाए रख सकेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग में सुधार होगा, जिससे कठिन लगने वाले विषय भी आप आसानी से समझ सकेंगे। स्टडीज में आपको परीक्षा को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करनी होगी। गणेश जी कहते हैं कि अभी आप एक्सपर्ट के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें और रिवीजन पर खास जोर दें। इस महीने आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन यदि कोई छोटी समस्या हो तो उसके प्रति लापरवाही ना बरतें। भविष्य में यदि कोई बड़ा रूप वो ले सकती है। खाने पीने के कंट्रोल रखकर आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आप फिजिकल रेस्ट और मेंटल पीस पाने के लिए कोई पिकनिक आदि का आयोजन कर सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि प्रेम संबंधों में मिठास रहने के लिए आपको पूरे महीने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। शादी के लिए उत्सुक जातकों को अपना परफेक्ट पार्टनर पसंद करने में थोड़ी भागदौड़ जरूरी होगी, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से जल्दबाजी ना करें। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मामूली बात पर झगड़ा ना हो। वाणी की मिठास से ही आप अपने परफेक्ट पार्टनर को आकर्षित कर सकेंगे, लेकिन अपने संबंधों में आगे बढ़ने के बाद गुस्से के कारण तनाव बढ़ सकता है। उत्तरार्ध में आपके कुछ खास दोस्त भी आपको मिल सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में आपके आर्थिक कामकाज तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके टर्नओवर और प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। इस माह कोई धार्मिक कार्य या देवस्थान की यात्रा में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल, कीमती धातु, ज्वेलरी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, होटल और ट्रैवल के साथ ही तरल वस्तुओं के व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है। बिजनेस मूवमेंट के लिए ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत सारी प्रगति लेके आया है। आपकी मेहनत के मुताबिक आपको अपेक्षित परिणाम जरूर मिलेगा। एक्सपांशन के लिए नए जगह की खरीदारी या मशीनरी के इम्पोर्ट में आसानी रहेगी। माइनिंग कंपनी में काम करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव के अवसर मिलेंगे। आपको अच्छे पैकेज के साथ हायर पोजीशन भी मिल सकती है। गणेश जी कहते हैं कि आपको टैक्स सेविंग को ध्यान में रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना चाहिए। इस महीने आप घूमने फिरने के साथ नॉलेज भी प्राप्त कर सकेंगे। इंजीनियरिंग रिसर्च के साथ ही माइनिंग कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट में जुड़े जातकों को ज्ञान वृद्धि के साथ अच्छी सफलता भी मिलेगी। हालांकि अभी आप अपने स्टडीज को लेकर थोड़े जल्दबाजी साबित हो सकते हैं, इसे पूरे धैर्य से काम लें। अभ्यास में दोस्तों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ स्टडीज के सिलसिले में छोटी यात्रा की संभावना भी बनेगी। गणेश जी का कहना है कि अभी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर मेहनत करनी होगी। इस महीने आपकी जो हेल्थ है सामान्य रहने वाली है। बाहर खाने पीने से आपको बचना चाहिए। इस महीने त्योहार में थोड़े व्यस्त रहेंगे या ट्रैवल भी कर सकते हैं, इस वजह से आपको थकान हो सकती है। ऐसे में आराम पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। काम में बिजी होने के कारण स्वास्थ्य के छोटी तकलीफ को भी आप नज़रअंदाज ना करें। सर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ऐसी जो कॉमन समस्या है उससे आपको बचना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं कि प्रेम संबंधों में काफी अच्छी क्लोजनेस भी बनी रहेगी, पर मामूली बातों के कारण झगड़ा न हो इसका पूरा ध्यान रखना होगा।
आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ सकेंगी। अपने प्रियजन या जीवन साथी को इन संबंधों में जितना ज़्यादा महत्व देंगे, उतना ही आपको कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ेगा। यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश में है या अपने विवाह संबंधित निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, तो अभी बिना सोचे समझे बिल्कुल आगे न बढ़े। गणेश जी के आशीर्वाद से इस महीने आपकी रेगुलर जो इनकम है वो स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार की खुशी के लिए आप कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। महिलाएं अपने सौंदर्य प्रसाधन या ब्यूटी सर्विस, आभूषण, कपड़ा आदि में ज्यादा खर्च कर सकती है। अपनी मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए भी आप यहाँ वहाँ कुछ खर्च कर सकते हैं। लोन के मामले निपटाने के आसार दिख रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो भी बात आपकी आगे बढ़ सकती है। गणेश जी कहते हैं कि धंधे में डे बाय डे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, कामकाज में एक्सपांशन या नई शुरुआत करने की योजनाएं पूरी होने की अवसर मिल सकते हैं। कपड़ा, कागज, तरल वस्तुएं, खाद्य सामग्री, कच्चे धातु, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि में आपको अच्छा लाभ होगा। क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी आप कुछ अलग अंदाज में काम कर सकेंगे। इस महीने आपके कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है या आपकी मानसिक अस्थिरता के कारण शायद पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है। गणेश जी का कहना है कि ऐसी स्थिति में नियमित मेडिटेशन करने से फायदा होगा। इस बात को कभी न भूलें कि आपको पढ़ाई में अपेक्षित रिजल्ट्स के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने टैलेंट को करेक्ट प्लानिंग के साथ काम में लेंगे तो काफी बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने आपके स्वास्थ्य में किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं दिख रही है। आप ज्यादातर समय फिट रहेंगे और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कोई छोटे टूर पर भी आप जा सकते हैं। आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन गणेश जी कहते हैं कि फिटनेस को लेकर अपने रूटीन को रेगुलर मेंटेन करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस महीने की शुरुआत में दांत में थोड़ा दर्द हो सकता है, जिसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहने वाली है। गणेश जी का कहना है कि अपने संबंधों के प्रति आपको ज्यादा सीरियस और कमिटेड होना पड़ेगा। आपको अपने साथी की भावनाओं को भी ज्यादा महत्व और रिस्पेक्ट देना होगा। वैसे भी मैरिड लोगों का अच्छा तालमेल रहेगा और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट के साथ आप रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हैं। आपके बीच में रिश्ता है वो और गहरा बनेगा। आपके संबंधों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सेल्फ एटीट्यूड में कमी आएगी। आर्थिक मामले में इस महीने स्थिति सामान्य रहने के योग है। लोन के मैटर्स में तेजी से पूरे हो सकेंगे। व्यवसाय में आपको टर्नओवर और प्रोजेक्ट में ग्रोथ होगी, लेकिन इस महीने आपकी मौज मस्ती और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, तो अपने खर्चों पर अंकुश रखें। यही गणेश जी ये भी कह रहे हैं कि इसके अलावा गैजेट्स, वाहन, मशीनरी आदि से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं। कामकाज में कंपटीशन के कारण आपको एडवर्टाइजिंग आदि में खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने बिजनेस में आपकी प्रोग्रेस स्टेडी होती रहेगी। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात, मीटिंग्स, बातचीत होने की संभावना है। ऐसे प्रयासों में आपको खासी सफलता मिल सकती है। वर्किंग लोगों को इंटरव्यू देने के लिए भी ये समय बेहतर है। प्रिंटिंग, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, अंतरिक्ष से जुड़े वस्तुओं के कार्यों में आपको लाभ होगा। फाइनेंस, बैंकिंग, शिक्षा आदि से जुड़े लोगों को या उन जातकों को पहले सप्ताह में ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इस महीने आपको नॉलेज के होराइजन का विस्तार होगा, लेकिन कंसंट्रेशन और मेमोरी से जुड़े शिकायत शुरुआत के दो हफ्तों तक रहेगी।
इस महीने गणेश जी आपको नियमित मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। दूसरे सप्ताह में स्थिति में सुधार आ सकता है। किसी भी परीक्षा को आसानी से पूरा करने की आपकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आप अपने टीचर्स और एक्सपर्ट से अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा बना रहेगा। आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज और डाइटिंग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि पहले सप्ताह में अनवांटेड थॉट्स के कारण आपको मानसिक थकान होगी और इससे अनिद्रा, टायर्डनेस आदि की समस्या हो सकती है। ऐसे स्थिति में आपको ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा। आखिरी सप्ताह में आपको आँखों में जलन, गर्दन की मांसपेशियों में थोड़ा दर्द या गले में जलन की शिकायत भी हो सकती है। इस महीने की शुरुआत से ही मीन राशि वालों के प्रेम संबंध में पहले से अधिक गहराई रहेगी। हालांकि अभी संबंधों में अति एक्साइटमेंट और जोश को टालना होगा। अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति बहुत अट्रैक्शन होने के कारण नए संबंधों की शुरुआत होने के अच्छे चांसेस हैं। मैरिड लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कोई पुरानी अनबन उनमें चिंता का कारण हो सकती है। गणेश जी कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। महीने के अंत में प्रेम संबंधों में आपका प्रभुत्व बढ़ सकता है। इस महीने फाइनेंशियल फ्रंट पर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के कारण आर्थिक तंगी में कमी आएगी। किसी का उधार होगा तो आप उसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कामकाज में भी अच्छा फायदा हो सकता है। महीने की शुरुआत में टैक्स बचत, सब्सिडी आदि में परेशानी रहेगी, लेकिन अंत में सब काम आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे। रियल एस्टेट, तरल वस्तुएं के धंधे में आपको लाभ होगा। गणेश जी का कहना है कि अभी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी ना करें और साथ ही दूसरों के भरोसे भी ना रहें तो अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यवसाय में इस महीने आपकी प्रगति बड़ी तेजी से होगी। उत्तराद में सरकारी राहत की भी उम्मीद रख सकते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से इस महीने आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में सफल होंगे। व्यवसाय में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त या नौकरी बदलते समय कहीं ना कहीं आपको ध्यान रख के डिसीजन लेना होगा, या डिसीजन ना ले तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट्स में भी सावधानी बरतनी होगी। फाइनेंस, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, बीमा एजेंसी आदि कार्यों में दूसरे सप्ताह के बाद थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। गणेश जी कहते हैं कि शिक्षा में आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लगातार बढ़ती जाएगी, जिससे अभ्यास में आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। महीने की शुरुआत में अभ्यास के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। ऐसे में खासकर परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को थोड़ा संभलना होगा। दूसरे सप्ताह के बाद कंसंट्रेशन संबंधी शिकायत थोड़ी बढ़ सकती है। आपसे अनुरोध है कि फुल्ली कंसंट्रेट होकर अभ्यास करें। ऐसा माहौल पहले से ही तैयार रखें। किसी भी विषय को डीपली स्टडी करने या कुछ नया सीखने की संभावना भी दिख रही है। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति अभी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। शुरुआत में सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, कमर में दर्द या पसलियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में आपको स्थिति में सुधार आएगा और आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा। दूसरे सप्ताह के बाद कब्ज, नाक, कान में या गले में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। गणेश जी कहते हैं कि पैर की मांसपेशियों और जोड़ों की समस्या हो तो कहीं ना कहीं आपको लापरवाही नहीं बरतनी है।